हेलो दोस्तों, नमस्कार। रुद्राक्ष ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं जा रहा हूँ अपनी ससुराल मयाली। मयाली आपको पता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और मयाली से थोड़ा पीछे गांव है गोरती, तो वहाँ मेरी ससुराल है। यहाँ से हम पहले घनसाली जाएंगे, घनसाली के बाद जो जो भी स्टेशन पड़ेंगे बीच में, जो जो जगह पड़ेगी आपको मैं दिखाऊँगा, इंट्रोडक्शन कराऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं निकलने वाला हूँ घर से, अपनी बाइक सड़क चौक पर आंगन में लगाता हूँ, हमारे नए घर है। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ जखनियाली के साथ, मेरे भाई का लड़का जो है उसका नाम साहिल है। तो अभी हम जखनियाली पहुँच चुके हैं, पहले मैं घनसाली जाऊँगा क्योंकि काम है, फिर मैं वापस इसी रोड पे आगे जा रहा हूँ। चलते हैं पहले घनसाली। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं घनसाली से अब निकलने की तैयारी में, हम जो भी लेना था वो सब ले लिया है, और आगे बहुत ठंड है। अभी घनसाली में भी बहुत ठंड है, और आगे तो हमें और भी ऊंचाई पे जाना है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी, इसलिए मैंने दस्ताने वगैरह अपने पहन लिए हैं। और अब हम चलने की तैयारी में हैं घनसाली से। अभी आगे आपको दिखाएंगे हम कि हम किस किस स्टेशन पर रुकेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत मज़ा आपको आगे आने वाला है। अभी मैं पहुंच चुका हूं मूलगढ़ में। अभी यहां पे मूलगढ़ में यहां से दो और रास्ते कटते हैं, एक तो नीचे के लिए कटता है, ये आपका मेरे दाएं हाथ पे जो है ये डांगी थारती भटवाड़ा नैलचामी की तरफ कटता है, और इससे थोड़ा आगे जब हम जाएंगे तो यहां से एक रूट और मेरे बाएं हाथ पे कटता है उलाना खाल धमतोली हिंदाओं के लिए। और हमें इस मेन हाईवे पर चलना है जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो रूट है, तो आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं मूलगढ़ से, यहाँ पर फिर से एक टी बैंड है, यहाँ बोर्ड जो देख रहे हैं चिरबट्टिया फुलाना खाल का। अब हम बिल्कुल जस्ट टी बैंड पे हैं, आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इस रोड ये है फुलाना खाल धमतोली इंदाव अकोड़ी के लिए, और ये यहाँ से घूमते फिर राउंड में फिर घनसाली आता है। और ये वाला जो रूट है हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे, हम इस पर चल रहे हैं अभी बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर, मयाली तेलवाड़ा रुद्रप्रयाग की ओर। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और आनंद लीजिए इन सुहावनी वादियों का। मूलगढ़ से आगे निकले थे, सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेशन है एक होटल है, गांव इसका इनका ऊपर है, नीचे भी गांव है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मोलगढ़ से नमाज निकले, तो बहुत सारे गाँव देखते हैं, पर यहाँ पर मुझे अच्छी लोकेशन लगी, वातावरण बहुत पसंद है। अभी हम बोलता चकरेड़ा के पास हैं, चारों तरफ गाँव का जो बहुत ही मनोहर दृश्य है, आनंद लीजिए नैलचामी घाटी का। नैलचामी जो घाटी है नाम तो उसका घाटी है, स्वर्ग से कम।
तो दोस्तों अभी हम चकरेरा से आगे आ चुके हैं, कोटाधार पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर हम अभी थोड़ा रुके हैं क्योंकि धूप भी है, सर्दी में बताएंगे, और सर्दियों की धूप आपको पता है कितनी सुहावनी लगती है। हम यहाँ पर थोड़ा रुके तो हमें नीचे की तरफ देखा, कितना सुनहरा दृश्य है। जो डांगी से नीचे के लिए सड़क कटती है उसको बहुत सारे गाँव पड़ते हैं नैलचामी घाटी के। डांगी हो गया आपका, ठारकी हो गया, ठेला है। तो घाटी का जो दृश्य है बहुत ही मनोरम है, तो आप ज़रूर उसका आनंद लीजिए। आप देखिए घाटी का जो दृश्य है। हम दो मिनट के लिए यहाँ पे रुके हैं इस घाटी और इस नज़ारे को कैप्चर करने। बस तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं कोटाधार में। कोटाधार नैलचामी का बहुत ही अच्छा मार्केट है मेरे हिसाब से भी, और आपके हिसाब से भी। तो गाँव के जो मार्केट होते हैं छोटे छोटे, यहाँ पे एक तो आपको बैंक मिल जाएंगे, फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स और अच्छी खासी आपकी दुकान यहाँ पे मिलेंगे। तो ये कोटाधार दोनों तरफ यहाँ पे मार्केट है। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं कोटाधार से।
से तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया। तो दोस्तों, कल शाम जिस समय हम घर पे पहुंचे तो उस समय पे जो नींद ना पाए, रात हो गई थी। अभी हम सुबह उठे हैं, नहा धो के थोड़े घूमे आए हैं इस तरफ धारी की तरफ। यहाँ पर एक प्राकृतिक जल स्रोत है जिसका बहुत ही मीठा पानी है। तो यहाँ से देखिए आप नज़ारा, चारों तरफ पर नीचे की तरफ गाँव है, कोटी है, बिराणी है, इस तरफ के सारे गाँव, बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से आ रहा है। तो देखिए आप आनंद लीजिए, पहाड़ी साथियों का। तो दोस्तों, आपने देखा हम कल आए थे यहाँ पे सुबह के कैसा लगा आपको हमारे सफर, ये सुंदर वादियाँ पहाड़ों की, ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।